आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीके इंसाफ हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। तमाम कबायली अराकीन और वुजरा ने हुकूमत के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर दिया है। इस बारे में मजीद जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। शहाबुद्दीन बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का बजट इजलास जारी है। इसमें बजट पर आम बहस जारी थी कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जम अजला से दो सूबाई वजरा इकबाल वजीर और ये औरंगजेब ये अनवर रेब खान, इन दोनों ने हुकूमत के खिलाफ सख्त तकारीर किया और उनका कहना था कि हमें वजारतों की जरूरत नहीं है, हमें अराकीनी असेंबली होने की जरूरत नहीं है और बजट पास होने में हम वोट नहीं देंगे भले के हमारी मेंबरशिप खत्म होती है क्योंकि हमें कबायली आवाम ने मुंतखब किया है और कबायली आवाम की ये आवाज उठाएंगे। तो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कबायली अराकीन की 21 तादाद है और अगर ये 21 में 5 तो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं लेकिन 16 अराकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं, तो ये अगर जाके अपोजिशन के साथ मिल ले तो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ठीक, शहाबुद्दीन बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।